नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मालदा हिंसा का जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक इलाके में हुई हिंसा मामले की जांच के लिए मालदा पहुंची 3 सदस्यीय जांच टीम को सोमवार सुबह हिरासत में ले लिया गया। इनमें दार्जिलिंग से पार्टी सांसद एसएस अहलुवालिया, रिटायर्ड डीजीपी विष्णु दयाल राम और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव शामिल है। मालदा जिला पुलिस ने इन्हें रेलवे स्टेशन से ही लौट जाने को कहा और कालियाचक जाने से रोक दिया। हिरासत में ली गई टीम के सदस्य एसएस अहलुवालिया ने कहा कि हम सच जानना चाहते हैं। भाजपा ने इस कदम पर कहा कि हमें रोकना मतलब सच को छिपाना है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मालदा जिले के कालियाचक में एक जुलूस के दौरान मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना, जीप और बस फूंक दी थी और साथ ही एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया था। देखते ही देखते हिंसा बिहार के पूर्णिया तक फैल गई थी। भाजपा इसे सांप्रदायिक हिंसा बता रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हिंसा पर पर्दा डालना चाहती हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पर लिखा, ब्रिटिश हुकूमत से भी खराब था इंदिरा का शासन। बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर इंदिरा गांधी के शासन को ब्रिटानी शासन से भी खराब बताया गया, जिसके कारण राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस नाराज है। बिहार के इतिहास पर लिखी समीक्षा में इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और आपातकाल के समय बढ़े दमन का हवाला दिया गया है। समीक्षा में जयप्रकाश नारायण के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ये जेपी ही थे जिन्होंने निरंतर और मजबूती से इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विरोध किया था, जिसके चलते डर कर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा कर तिहाड़ जेल में रखा था, जहाँ कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। लेख से नाराज राज्य कांग्रेस के नेता चंदन यादव ने कहा कि यह उल्लेख पूर्णतः अस्वीकार्य है और उनकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ये मुद्दा उठाएगी। स्वामी ने कहा कि मुस्लिम 3 मंदिर दे दे और 39,997 मस्जिदें ले ले। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राम मंदिर राग छेड़ते हुए एक नया फॉर्मूला दिया है। स्वामी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 3 मंदिर दे दिए जाए और मुस्लिम 39,997 मस्जिदें रख ले। स्वामी ने मुस्लिम नेताओं को दुर्योधन न बनने की सलाह भी दे डाली। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर और काशी में विश्वनाथ मंदिर की भूमि पर हिंदू संगठनों ने दावा लगा रखा है और मामला कोर्ट में है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वे अयोध्या में राम मंदिर पर रोजाना सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।